स्वागत है आपका अपना ऑनलाइन स्टडी ऑफ द बेस्ट वे चैनल में। सूचना सहायक से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं, तो ये राजस्थान के जीके के क्वेश्चन हैं, जिसमें 60 क्वेश्चन लिए गए हैं, जो कि सूचना सहायक के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और अन्य एग्जामों के लिए भी उतने इम्पोर्टेंट है, जैसे एलडीसी के एग्जाम के लिए भी। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, बागड़ सेवा मंदिर से संबंधित है। बागड़ सेवा, बागड़ का एरिया कौन सा है? डूंगरपुर वाला एरिया है। तो बागड़ के गांधी के नाम से भी प्रसिद्ध है भोगीलाल पांड्या, वो भी बागड़ सेवा मंदिर से संबंधित है। बागड़ सेवा मंदिर, इसकी स्थापना 1917 में डूंगरपुर में भोगलाल पांडे द्वारा की गई थी। भोगलाल पांडे का जन्म डूंगरपुर के सिमलवाड़ा गांव में हुआ था और इनकी जो मृत्यु हुई है वो जयपुर में हुई है। भोगलाल पांडे को बागड़ का गांधी कहा जाता है, सभी को पता है। इनकी जो पत्नी का नाम था वो मणिबहन पांडे है, जिसे भी राजस्थान के बागड़ की बा कहा जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट है, बागड़ की बा किसे कहा जाता है? भोगलाल पांडे की पत्नी, जिनका नाम मणि बहन पांड्या है। सेकंड, खानवा में बाबर के विरुद्ध सांगा की सहायता के लिए किसके नेतृत्व में मारवाड़ी सेना भेजी गई थी? तो मालदेव के पिता, जिनका नाम राव गंगा था, उन्होंने अपने पुत्र मालदेव के समर्थन में, उनके सहयोग के लिए, राणा सांगा के सहयोग के लिए एक सेना भेजी थी मारवाड़ की तरफ से। ये खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 को हुआ था और बाबर और राणा सांगा के मध्य ये युद्ध लड़ा गया था। इस युद्ध में राणा सांगा के जो कई शासकों ने सहयोग दिया था, जिसमें मारवाड़ की तरफ से मालदेव आया था और राव गंगा की हत्या भी उनके पुत्र मालदेव के द्वारा ही की गई थी, इसलिए उन्हें पितरहंता भी कहा जाता है और मारवाड़ का प्रथम पितरहंता इन्हीं को बोला जाता है। और राजपुताना के इतिहास में से असमत वाला शासक और पुरुषार्थी राजकुमार भी इन्हीं को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, बौद्ध मंदिर के स्मारक किस स्थान पर स्थित है? बौद्ध मंदिर से संबंधित है, विराट आता है। विराट, जिनका प्राचीन नाम विराट नगर था, जो कि जयपुर में स्थित है और यहीं पर सर्वप्रथम महात्मा बुद्ध द्वारा बौद्ध धर्म का भी प्रतिपादन किया गया था। और भारत के जो प्राचीनतम मंदिर है वो उनके अवशेष भी यहीं से विराट से ही मिलते हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान में प्रत्येक वर्ष चैत्र मास में गणगौर पूजन उत्सव दिवस की तिथि है। गणगौर कब आती है? गणगौर आती है जी चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया को गणगौर का त्यौहार आता है और यह त्यौहार है जो कि पार्वती के गोने का सूचक भी माना जाता है। इस दिन क्या करती है? कुंवारी कन्या और सुहागिनी स्त्री है, वो शिव पार्वती की पूजा करती है और यह त्यौहार चैत्र कृष्ण की एकम से शुरू होकर चैत्र शुक्ल की तृतीया तक चलता है। गणगौर वो जयपुर की प्रसिद्ध है और जयपुर का मेला, जयपुर में मेला भी लगता है गणगौर का। नेक्स्ट है, 11वीं सदी का प्रसिद्ध सास बहू का मंदिर कौन सा है? सास बहू का मंदिर नागदा गांव उदयपुर में स्थित है, जहां पर 1000 भुजाओं वाले भगवान विष्णु की मूर्ति लगी हुई है। इस वजह से इनको पहले शस्त्र बहू का मंदिर कहा जाने लगा था और धीरे धीरे इसका नाम सास बहू का मंदिर कहने लगे। नेक्स्ट है, राजस्थान के भीनमाल कस्बे में आने वाला चीनी यात्री कौन था? भीनमाल जालौर में पड़ता है और यहाँ पे जो आने वाले चीनी यात्री हेनसांग थे, जो कि हर्षवर्धन के काल में आए थे और उनकी जो महाभारतकालीन रचना शिशुपाल वध को सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। तीर्थयात्रियों का राजकुमार और नितिका पंडित इनके उपनाम है, मितिका पंडित और तीर्थयात्रियों का राजकुमार भी हेनसांग को बोला जाता है। इनकी जो पुस्तक थी
उसका नाम सियोकी था। इस पुस्तक से हमें पुष्यावती वंश की भी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है, ग्रासियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? तो वालर नृत्य है, जो कि ग्रास्य जनजाति के द्वारा किया जाता है। जनजातियों में देखें तो सर्वाधिक जनजाति भील जनजाति पाई जाती है, जिनकी जनसंख्या सर्वाधिक राजस्थान में। सबसे पुरानी जनजाति है भील जनजाति, और जो सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है वो मीणा है। ग्रासिया का थर्ड नंबर है। ग्रास्य जाति के लोग सफेद रंग के पशु को पवित्र मानते हैं, और इनके जो अन्न भंडारण की कोठी होती है उसे सोहरी कहते हैं। ग्रास्य जनजाति सर्वाधिक उदयपुर सिरोही में निवास करती है। नेक्स्ट है, राजस्थान में कौन सी प्रथा मृत्यु से संबंधित है? तो मृत्यु से संबंधित नहीं है। कौन सी प्रथा नहीं है? चार ऑप्शन दिए हैं, पगड़ी की रस्म उठावना, बाल मुंडावना और जुआजुई। तो जुआजुई नहीं है, बाकी ये सभी है। जुआजुई ये खेल है जो कि विवाह के टाइम में ये खेल खेला जाता है। नेक्स्ट है, निम्बारक संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ है? तो निम्बारक संप्रदाय की प्रधान पीठ देखें तो सलेमाबाद में है। सलेमाबाद अजमेर में है, और इसके जो संस्थापक थे निम्बारक संप्रदाय के वो संत निम्बार्काचार्य थे, और इस संप्रदाय को निम्बार्क संप्रदाय या सनकादि संप्रदाय या हंस संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। हुड़ा सम्मेलन सभी ने सुना होगा। हुड़ा सम्मेलन मेवाड़ के राजा स्वाइजय सिंह मेवाड़ के राजा थे उस टाइम, जगत सिंह द्वितीय उनके समय में ये सम्मेलन बुलाया गया था। तो ये सम्मेलन था 17 जुलाई 1734 ईस्वी को। तो ये कहाँ पे स्थित था? ये मेवाड़ में ही था, मेवाड़ जगह में रखा गया था, और इसकी जो अध्यक्षता वो जगत सिंह के द्वारा ही की गई थी, जगत सिंह द्वितीय के द्वारा। इस सम्मेलन में ये सम्मेलन मुख्यतः शाहपुरा भीलवाड़ा में स्वाई जय सिंह द्वितीय के द्वारा बुलाया गया था, और जो इसकी अध्यक्षता तो वो जगत सिंह द्वितीय द्वारा की गई थी। और इसका जो उद्देश्य था, मेन उद्देश्य, वो मराठा और पिंडारियों से मुक्ति प्राप्त करना था। यह सम्मेलन विफल हो गया था। किस वजह से? क्योंकि यहाँ पे स्वाई जय सिंह जो जयपुर के शासक थे उनके द्वारा अध्यक्षता के लिए इनके द्वारा दबाव डाला गया था। इसकी अध्यक्षता स्वाई जय सिंह द्वितीय करना चाहते थे। ये निजी स्वार्थ निजी कारणों के वजह से, निजी स्वार्थ के वजह से ये विफल हो गया था। नेक्स्ट है, राजस्थान संघ का निर्माण 25 मार्च 1948 को हुआ, इसके राज प्रमुख किसे बनाया गया था? तो ये 25 मार्च 1948 को राजस्थान संघ का निर्माण हुआ था। इस समय महाराव कोटा को इसका राज प्रमुख बनाया गया था, और इस समय प्रधानमंत्री का भी पद था जो कि गोकुललाल असावा के पास था। गोकुललाल असावा को प्रधानमंत्री बनाया गया था, और इसके बाद में राजस्थान संघ के बाद पूर्ण राजस्थान संघ या सोवियत राजस्थान संघ का गठन किया गया था। तो उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? उसकी अध्यक्षता उदयपुर के महाराजा उदय सिंह के द्वारा की गई थी। और इस समय जो यहाँ के प्रधानमंत्री थे, प्रधानमंत्री का पद मणिकालाल वर्मा को दिया गया था। नेक्स्ट है, राजस्थान का प्रसिद्ध औद्योगिक शहर कोटा किस नदी के तट पे है? तो कोटा, बूंदी, ये दोनों ही चंबल नदी के किनारे हैं। चंबल नदी की अगर लंबाई देखें तो 151 किलोमीटर लंबी है, और राजस्थान में लंबाई देखें तो 252 किलोमीटर है। इसे राजस्थान की कामधेनु और चरमनवती भी कहा जाता है। गायों की रक्षा में अपने प्राणोत्सर्ग करने वालों में कौन प्रसिद्ध है?
तो तेजा जी, गोगा जी और बाबू जी तीनों ही हैं। इसके अलावा भी फत्ता जी का नाम भी आता है, गायों की रक्षा के लिए अपनी जान देने वाले। नेक्स्ट है, पित्थल द्वारा डिंगल भाषा में लिखे गए ग्रंथ कौन से हैं? तो पित्थल भाषा में पित्थल किसे कहा गया है? पृथ्वीराज तृतीय को कहा गया है। तो गंगा लहरी और बेली कृष्ण रुक्मणी ग्रंथ है, जो कि पित्थल द्वारा डिंगल भाषा में ये लिखे गए दोनों ग्रंथ हैं। बीकानेर के शासक राव कल्याण सिंह के पुत्र थे ये पृथ्वीराज राठौड़, जो अकबर के दरबारी कवि भी रहे थे। और बेली कृष्ण रुक्मणी को श्रृंगार रस का पांचवा वेद भी कहा गया है। नेक्स्ट है, किस शहर में गंगा मंदिर स्थित है? तो गंगा मंदिर है वो भरतपुर में है। यह मंदिर गंगा मैया की दिव्य मूर्ति है यहाँ पे, और इनके गोमुख से जलधारा का भी प्रवाह होता है। और इनका जो निर्माण करवाया गया था वो बलवंत सिंह, महाराजा बलवंत सिंह के द्वारा करवाया गया था, और लाल पत्थरों का इसमें प्रयोग किया गया था। 1857 में कोटा विद्रोह का नेता कौन था? तो कोटा की तरफ से जयदाल और मेहराब खां के द्वारा नेतृत्व किया गया था, जिन्हें बाद में कोटा के पॉलिटिकल एजेंट एजेंट बर्टन की हत्या के मामले में दोनों को फांसी की सज़ा भी दी गई थी। तो अगर कोटा के उस समय क्रांति के समय शासक देखें तो राम सिंह द्वितीय था, जिन्होंने अंग्रेज़ों की सहायता की थी। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय बीजीय मसाला कहाँ है? बीजीय मसाला अजमेर में है, तबीची अजमेर में। अगर सरसों अनुसंधान केंद्र देखें तो भरतपुर में है, और तबीची अजमेर में राष्ट्रीय बीज मसाला है। और अगर सरसों इसमें मसाले के उत्पादन में प्रथम स्थान देखें तो बारा का आता है, इसके बाद झालावाड़ और जालौर का स्थान आता है। नेक्स्ट है, जैसलमेर के भाटी राजपूत जिस देवी की पूजा करते हैं वो कौन सी देवी है? जैसलमेर के भाटियों की कुल देवी ये भी आवड़ माता है। और अगर इनके आराध्य देवी की बात करें तो आराध्य देवी है वो हिंगलाज माता है, जिनका मंदिर भी जैसलमेर के दुर्ग में बना हुआ है। नेक्स्ट है, भगवान शिव को समर्पित शिवाड़ के मेले का आयोजन राजस्थान के किस जिले में होता है? तो शिवाड़ मेला भगवान शिव का लगता है, वो सवाई माधोपुर में है। रणथंभौर के चौहान शासक अमीरदेव चौहान इनके भगत रहे हैं प्रमुख। नवीन राजस्थान नामक समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? तो नवीन राजस्थान समाचार पत्र विजय सिंह पथिक के द्वारा निकाला गया था। और ये कहाँ पे इनकी इसकी शुरुआत की गई थी? तो इसकी शुरुआत नवीन राजस्थान की शुरुआत की गई थी 1922 में अजमेर से की गई थी। और ये बेगू किसान आंदोलन के राजनीतिक मंच प्रदान करने वाला पत्र भी रहा है। 1923 में इसे बंद कर दिया गया था, इसके बाद नवीन राजस्थान की जगह इनका नाम तरुण राजस्थान रख दिया गया था, और उन्हें इसका पुनः प्रकाशन फिर अजमेर से ही शुरू किया गया। एक समाचार पत्र केसरी भी पूछा जाता है, प्रताप केसरी समाचार पत्र, ये भी विजय सिंह पथिक के द्वारा और निकाला गया था। और इसकी जो ये कहाँ से निकाला गया था, ये निकाला गया था महाराष्ट्र वर्धा से, वर्धा महाराष्ट्र से। नेक्स्ट है, राजस्थान सेवा संघ का निर्माण 1919 में पथिक रामनारायण चौधरी और किंकर के द्वारा किया गया था, कहाँ से किया गया था? तो ये भी वर्धा से ही किया गया था 1919 में। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना भी पूछ ली जाती है कब की गई थी 1919 में, इसके संस्थापक भी पूछ लिए जाते हैं। तो तीनों के नाम याद रखने हैं, पथिक रामनारायण चौधरी और किंकर हरिभाई किंकर है। इनकी जो आर्थिक सहायताएं की थी वो जमनालाल बजाज के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है, मेवाड़ के महाराणा संग ने इब्राहिम लोधी को किस युद्ध में परास्त किया था? खातौली का युद्ध हुआ था, 1517 ईस्वी में हुआ था ये। और ये खातौली है, खातौली बूंदी में पड़ता है, और इसमें जो राणा सांगा के साथ इब्राहिम लोधी द्वारा समझौता भी किया गया था, इसमें राव रतन सिंह राठौड़ और राव
राणा भोज लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। 1518 में राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को बंडी जो कि धौलपुर में इस युद्ध में पराजित किया था। नेक्स्ट है गुरु शिखर चोटी है राजस्थान में, ऊंचाई कितनी है? 1722 है। 5 मीटर का संतों का शिखर भी कहा जाता है इसे। उन दो सरदारों के नाम बताइए जिन्हें अकबर के समय 7,000 की मनसबदारी प्रदान थी। तो एक तो सभी को पता है मानसिंह था, जिन्हें 7,000 की मनसबदारी प्रदान की गई थी अकबर के टाइम में। और एक इसके अलावा एक नाम और याद रखना है, कोका अजीज और मानसिंह दोनों को 7,000 मनसबदारी प्रदान की गई थी। और इस मनसबदारी प्रथा की या व्यवस्था की जो शुरुआत की गई थी अकबर के द्वारा 1567 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट है 22 जून 1908 ईस्वी को चित्तौड़गढ़ में राशमी परगना स्थित मातृकुंडिया नामक स्थान पर कौन सा किसान आंदोलन प्रारंभ हुआ था? तो वो भगत आंदोलन वो था मातृकुंडिया नामक स्थान पर। मातृकुंडिया ये चित्तौड़गढ़ में है, रश्मि चित्तौड़गढ़ में या अरनाथपुरा गांव में स्थित है ये। और इसके जो भगत आंदोलन की शुरुआत की गई थी वो गोविंद गिरी और उनके एक सहयोगी थे सुरजी भगत के प्रयासों से 1920 ईस्वी में इसकी शुरुआत की गई थी। मोतीलाल तेजावत को आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है। नेक्स्ट राज्य का सबसे प्राचीन और सुसंगठित उद्योग कौन सा है? सूती वस्त्र उद्योग है। प्रथम मिल इसकी राजस्थान में द कृष्णा मिल लिमिटेड ब्यावर में लगी थी। और सबसे बड़ी राजस्थान की सबसे बड़ी और सर्वाधिक उत्पादन करने वाली मिल देखें तो उमेद सिंह मिल लिमिटेड पाली में है। नेक्स्ट है मौसम के आधार पर राजस्थान की फसलों को कितने भागों में विभक्त किया गया? तो 3 भागों में है, खरीफ रबी और जायद। खरीफ का टाइम देखें तो बुआई का टाइम है जून जुलाई में और अक्टूबर नवंबर में इसकी कटाई होती है जिसे सियालू चौमासा या सावन भी कहा जाता है। रबी अक्टूबर नवंबर से मार्च अप्रैल तक होती है इसे उनालू कहा जाता है। और जायद की फसल भी फरवरी मार्च से मई जून तक की होती है जिसे चौमासा की फसल भी कहते हैं। नेक्स्ट है जिस झील का संबंध जयपुर जिले से है वह कौन सी है? तो रामगढ़ झील है जो कि बाणगंगा नदी के जल को रोककर बनाई गई थी। और रामगढ़ झील से ही पहले जयपुर को पेयजल की आपूर्ति होती थी। अब बिसलपुर बांध बनाया गया टोंक में जिससे जयपुर को उस जल की सप्लाई होती है। अन्य जिले देखें, सिलीसेट झील अलवर में, कोलायत बीकानेर में और कालियाना जोधपुर में स्थित है। राजस्थान का विषम पितामह किसे कहा जाता है? तो राव चूड़ा को विषम पितामह कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? राव चूड़ा है वो जोधपुर का पुत्र रणमल ने अपनी बहन अंसाबाई की शादी वह मेवाड़ के राणा लाखा के साथ की थी। सशर्त की थी कि उसकी बहन से जो उत्पन्न होने वाला पुत्र है वही मेवाड़ का शासक बनेगा। तो अपने पिता के वचन को निभाने के लिए राणा लाखा का बड़ा पुत्र राव चूड़ा ने आजीवन कुवारा रहने की विषम प्रतिमा की थी। इसलिए राव चूड़ा को मेवाड़ का विषम पितामह कहा जाता है। नेक्स्ट है राजस्थान की एकमात्र रियासत जहाँ ऊँट की बलि दी जाती है, टोंक रियासत है, मुसलमानों की रियासत है ये, मुस्लिम समाज की। नेक्स्ट है चूलिया जलप्रपात कौन सी नदी पे है? चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पे बना हुआ है। कहाँ बना हुआ है? ये मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट है मीरा के गुरु कौन थे? रैदास जी थे। मीरा रैदास की भक्ति भावना से काफ़ी प्रभावित थी और मीरा जी को राजस्थान की राधा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है निम्न में से जो मीठे पानी की झील नहीं है वह कौन सी है? मीठे पानी की झील कौन सी नहीं है? तो सांभर झील है, खारे पानी की झील है, जयपुर में स्थित है और यह प्राकृतिक झील भी है। सर्वाधिक नमक भी यहीं से पैदा होता है, कुल नमक का 8.7% यहीं से पैदा होता है। और म्यूजियम साल्ट की स्थापना भी यहीं पे की गई है। पर्यटक के क्षेत्र में रामसर साइट के नाम से इसे जानते हैं।
राजस्थान में अगर खारे पानी के कुल जिले देखें तो 9 जिले हैं, मुख्यतः सांबर, डीडवाना, लूणकंडसर, कुचामन, पचपदरा, फलोदी, कावोद, रेवासा, तालछापर और कछार है। नागौर जिले में खारे पानी की सर्वाधिक जिले हैं और ये खारे पानी के जिले हैं वो 33 महासागर के अवशेष के रूप में विद्यमान है यहाँ पे। नेक्स्ट है, कीर्ति स्तंभ के निर्माण योजना का सूत्रधार कौन था? तो कीर्ति स्तंभ का जेता थे महाराणा कुंभा ने, मालवा विजय के समय में इसे बनवाया था 1448 में, ये बनकर तैयार हुआ था और 9 मंजिला इमारत है ये, और जिसकी तीसरी मंजिल पर 9 बार अल्लाह शब्द भी अंकित है। इसके निर्माण की योजना का सूत्रधार जेता और उसके पुत्र नापा व पुंजा थे। इस विजय स्तंभ या हिंदू देवी देवताओं का विश्वकोश भी इसे कहते हैं, विष्णु ध्वजगढ़ भी कहते हैं, विक्ट्री टावर आदि नामों से भी इनको जाना जाता है। विजय स्तंभ मुख्यतः एक राजस्थान पुलिस का प्रतीक चिन्ह भी है और यहाँ पे इसकी तीसरी मंजिल पर 9 बार अल्लाह शब्द क्यों अंकित करवाया गया? क्योंकि उस टाइम में मुगल शासकों के द्वारा जो भी हिंदू मंदिर थे या हिंदू जो भी बनवाई गई थी इमारतें उनको नष्ट किया जा रहा था, उस वजह से ये यहाँ पे अल्लाह शब्द भी अंकित है, यहाँ पे हिंदू मंदिर भी है इसमें। नेक्स्ट है, राज्य के किस स्रोत से सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? तो वो ताप विद्युत है, जहाँ से कुल ऊर्जा है वो 3355.84 मेगावाट ऊर्जा प्राप्त की जाती है, जो कुल ऊर्जा के 49% है। राज्य में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जैसलमंद है उदयपुर में, विश्व की दूसरी अगर सबसे बड़ी झील है ये, विश्व की दूसरी सबसे बड़ी और भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित और कृत्रिम दूसरी झील जैसलमंद है, जो 1685 में गोमती नदी पर बांध बनवाकर जयसिंह के द्वारा इसके निर्माण करवाया गया था और राज्य के मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, इसे डेबर झील के नाम से भी पुकारा जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डेबर झील कौन सी क्या है? तो जैसलमंद झील को डेबर झील के नाम से पुकारा जाता है। नेक्स्ट है, किस राजपूत रानी ने हुमायूं के पास राखी भेजकर बहादुर शाह के खिलाफ, बहादुर शाह गुजरात के शासक थे, सहायता प्राप्त करने का संदेश भेजा था? वो कर्मावती थी जो कि राणा सांगा की पत्नी थी। बहादुर शाह जो कि उसमें गुजरात के शासक थे, उनके द्वारा आक्रमण किया गया था और उनकी सहायता के लिए, ये 1534-35 के समय था, उस टाइम चित्तौड़ का दूसरा शाखा हुआ था। कर्मणवती के द्वारा जोहर किया गया था और जो शाखा किया गया था वो किया गया था प्रतापगढ़ के जागीरदार थे बाग सिंह, उनके नेतृत्व में किया गया था। नेक्स्ट है, राजस्थान के राजनीतिक जागरण में अग्रणी रहे त्यागभूमि नामक समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो त्यागभूमि नामक समाचार पत्र के संस्थापक रामनारायण चौधरी, नहीं सॉरी हरिभाऊ उपाध्याय थे, त्यागभूमि नामक समाचार पत्र के संपादक थे वो हरिभाई उपाध्याय थे। इनका जन्म, हरिभाई उपाध्याय का जन्म देखे तो 1892 में बोरासा गांव ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ था। महिला शिक्षा सदन अटुंडी जो कि अजमेर में है, इनकी स्थापना भी हरिभाई उपाध्याय के द्वारा की गई थी। महिला शिक्षा सदन जो कि अटुंडी अजमेर में स्थित है, और इम्पोर्टेंट है एक हरिभाई उपाध्याय को राजस्थान का सीआर दास, जिसे मुकुट बिहारी लाल भार्गव को कहा था, हरिभाई उपाध्याय ने राजस्थान का सीआर दास किसे कहा था? मुकुट बिहारी लाल भार्गव को कहा था। नेक्स्ट है, केसरी सिंह बारड़ द्वारा सशस्त्र क्रांति के संचालन का कार्य कहाँ से किया गया? ये कोटा से किया गया था। केसरी सिंह ने सशस्त्र क्रांति का संचालन कोटा से किया था और ठाकुर गोपाल सिंह खरवा के सहयोग से 1910 ईस्वी में वीर भारत सभा की स्थापना की गई थी। गोपाल सिंह के द्वारा 1910 में वीर भारत सभा की स्थापना की गई थी। केसरी सिंह भारत ने अभिनव भारत समिति की शाखा भी राजस्थान में स्थापित की थी। सशस्त्र क्रांति के लहर को राजस्थान में आगे बढ़ाने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा है भारत जी का। पृथ्वीराज राजसो का रचनाकार कौन था? पृथ्वीराज राजसो के जो रचनाकार थे वो चंद्रवरदाई थे और पृथ्वीराज विजय भी इम्पोर्टेंट है, उसके रचनाकार जनक थे और एक है
वंश भास्कर और वीर सत से, इनकी रचना सूर्यमल मिशन के द्वारा की गई थी। पृथ्वीराज रासो में एक लाइन है, 8 बांस 32 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, यह उक्ति चंद्रव्रजाई के बारे में है। और डिंगल भाषा के अगर संगत रासों के रचनाकार देखें तो गिरधरोष्य है, यह भी इम्पोर्टेंट है। नांदना, इसे नानड़ा भी कहा जाता है, क्या चीज़ है नांदना? आदिवासियों के द्वारा प्रयोग में लाने वाला प्राचीनतम वस्त्र है। नेक्स्ट है, राजस्थान में एक देवी मंदिर है जहाँ चूहे बहुत अधिक संख्या पाए जाते हैं, करणी माता का मंदिर है, देशनोक बीकानेर में है। ये स्पैचुओं को काबा कहा जाता है, ये इम्पोर्टेंट है। और ये करणी माता ये बीकानेर के राठौड़ों की इष्ट देवी है, नेचुओं की देवी भी कहा जाता है। अगर राजस्थान के रियासतों की कुल देवियों के बारे में देखें तो जयपुर में कछुआ वंश था, कछुआ वंशों की जो कुल देवी थी वो अन्नपूर्णा देवी थी, अन्नपूर्णा देवी। और जोधपुर के राठौड़ों की नागनेची माता थी, पहले भी बताया था। उदयपुर में सिसोदिया वंश थे, सिसोदिया वंश की जो कुल देवी देखें तो बाण माता थी। करौली में यादव वंश थे, यादव वंश की केला देवी थी। सीकर में चौहान थे, चौहानों की जीण माता थी। जैसलमेर में भाटी थे, भाटी की स्वांगिया जी थी, स्वांगिया जी आवड़ माता। कोटा में आड़ा चौहान थे, उनके बदाना माता थी कुल देवी। जोबनेर में खंगारोत थे, उनकी ज्वाला माता थी। नेक्स्ट है, कौन सा नगर तस्त्री नुमा बेसिन में बसा हुआ है? तो ये उदयपुर नगर है, जिनकी आकृति है वो तस्त्रीनुमा है और पहाड़ से गिरी भी है। स्थानीय भाषा में इन्हें गिरवा कहा जाता है, गिरवा की पहाड़ियाँ। ऊन का घर किस जिले को कहा जाता है? बीकानेर को। विश्व की सबसे बड़ी ऊन की मंडी है वो बीकानेर में ही है। बीकानेर राजस्थान को अकेला 65% हिस्सा ऊन में देता है और ऊन का घर भी इसे कहा जाता है। ऊन की मिल लगी हुई है यहाँ पे, और सर्वाधिक ऊन देने वाली जो राज्य की भेड़ की नस्ल है वो जैसलमेरी नस्ल है। सबसे अच्छी नस्ल की ऊन देने वाली चोखला या भारत की मेरिनो कहा इसे। नेक्स्ट है, कुल राजस्थान में कुल कितने जिलों में मरु विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है? तो 16 जिले हैं, 13 जिले राजस्थान में मरुस्थलीकरण में आते हैं, 16 जिलों में ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसमें 75% केंद्र सरकार और 25% राज्य सरकार के द्वारा खर्चा बयान किया जाता है। देश के 142 डेजर्ट ब्लॉक में से राजस्थान में 85 डेजर्ट ब्लॉक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसी कारण सूखा प्रभावित क्षेत्र कार्यक्रम राजस्थान के 11 जिलों में चलाया जा रहा है। और राजस्थान में जो छपनिया काल था वो 1899 से 1900 AD में पड़ा था। राजस्थान का कौन सा जिला है जो उत्तर में स्थित है? राजस्थान का गंगानगर जिला उत्तर में स्थित है, जो जिसकी सीमा पंजाब और पाकिस्तान के साथ लगती है। सूर्य जो सर्वाधिक तिरछी किरण है यहीं पर पड़ती है, और सूर्य की सीधी किरणें बांसवाड़ा में पड़ती है, कर्क रेखा यहीं से गुजरती है, डूंगरपुर बांसवाड़ा से, सर्वाधिक बांसवाड़ा से गुजरती है। नेक्स्ट है, 1961 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार राजस्थानी भाषा की कुल बोलियाँ कितनी मानी गई है? 73 बोलियाँ मानी गई है राजस्थानी भाषा की, कुल 73 बोलियाँ 1961 की जनगणना के अनुसार मानी गई है। राजस्थान की बोलियों का जो सर्वप्रथम वैज्ञानिक अध्ययन करने वाला विद्वान था वो G.A. ग्रियर्सन था, ये पूछा गया है क्वेश्चन। तो राजस्थानी भाषा का उत्पत्ति काल है वो 12वीं शताब्दी का अंतिम चरण माना जाता है। राजस्थान के भरतपुर रियासत ने स्वतंत्रता से पूर्व हिंदी भाषा को राजकीय भाषा बनाया था। तो नई फारसी काव्य शैली है वो सबक है हिंदी या हिंदुस्तानी शैली का जो जन्म जाता है वो अमीर खुसरो है, अमीर खुसरो को माना जाता है हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता। पाथल और पीतल का भी एक रचनाकार कौन है? कन्हैया लाल सेठिया जी है। ढोला मारू का दोहा कवि कलोल के द्वारा लिखा गया था। राजस्थान के भीनमाल जो कि जालौर में है जन्मे प्रसिद्ध संस्कृत भाषा के कवि माग थे, जिन्होंने शिशुपाल वध नामक पुस्तक की रचना की थी। रसिक प्रिया नामक टीका है वो कुंभा के द्वारा लिखा गया था। राजस्थान में कुल कितने चिड़ियाघर हैं? 5 चिड़ियाघर हैं, चिड़ियाघर या जंतुवालय है। एक जयपुर में है, ये सबसे राजस्थान का देश
राजस्थान में देश का सबसे प्राचीन जंतुवालय ये जयपुर वाला, जहाँ पर घड़ियाल और मगरमच्छों का प्रजनन केंद्र भी है, और यहाँ हाल ही में बाघों का प्रजनन भी किया जाने लगा है। सेकंड, जोधपुर में चिड़ियाघर है, गुडाउन पक्षी व गुडाउन पक्षियों का कृत्रिम प्रजनन केंद्र है। बीकानेर चिड़ियाघर भी है, वर्तमान में यह बंद है। उद्यपुर चिड़ियाघर है, उदयपुर के गुलाब बाग में स्थित है। यह पक्षीशाला भी यहाँ पे विकसित की गई है, पक्षीशाला को एवरी कहा जाता है। कोटा में भी चिड़ियाघर है, जहाँ राजस्थान का सबसे नवीन जंतुवालय ये 5 स्थानों पे चिड़ियाघर है। सुमेलित करना, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था, यही असंगत है क्योंकि तराइन का 1191 में प्रथम युद्ध हुआ था और द्वितीय युद्ध 1192 हुआ था, ये सही नहीं है, इन्होंने 1192 दे रखा है। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में सही है, खानवा का युद्ध 1527 में, और प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। नेक्स्ट है श्रृंखला झरना नेत्रा और गिरगिटी क्या है, तो देवी बिलोने से संबंधित है। थार का गढ़ा किसे कहा जाता है, ये चंदन नलकूप है, कहाँ पे, ये चांदनी गांव में है, जैसलमेर में, जैसलमेर के पूर्व में स्थित है। ये कम गहराई पर मीठे पानी की उपलब्धता के कारण इसे थार का गढ़ा कहा जाता है। राजस्थान में प्रस्तावित निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क को निम्न में से किसके द्वारा स्थापित किया गया था, तो ये भारत सरकार के द्वारा स्थापित किया गया था। देश के पहले निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क की स्थापना सीतापुर जयपुर में 22 मार्च 1997 को की गई थी। बागड़ी बोली कहाँ बोली जाती है, डूंगरपुर में, बागड़ी डूंगरपुर बांसवाड़ा में बोली जाती है। गिरीशन ने इसे भीलों की बोली भी कहा है, और उदयपुर में मेवाड़ी बोली, जयपुर में ढूंढाड़ी। दादूपंत का साहित्य भी ढूंढाड़ी बोली में लिखा गया है। अड़ोती बोली कोटाबूंदी में बोली जाती है, अड़ोती बोली ढूंढाड़ी बोली की उप बोली है। नेक्स्ट है संगत सिंह रासो ग्रंथ, जिसमें महाराणा प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह के चरित्र का वर्णन है, वो संगीत सिंह रासो है, गिरधर के द्वारा लिखा गया है। यह हल्दीघाट युद्ध की प्रमाणिकता को भी प्रमाणित करता है, और राज सिंह के दरबारी कवि थे ये गिरधर ओसिया। गिरधर ओसिया राज सिंह के दरबारी कवि थे। उदय सिंह की पत्नी सजना बाई के पुत्र थे ये, और शक्ति सिंह है वो महाराणा प्रताप के भाई थे, और उदय सिंह की पत्नी सजना बाई के पुत्र थे, जो कि हल्दीघाटी के युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो गए थे। नेक्स्ट है बिसल देवरासो के रचयिता कौन थे, बिसल देवरासो के नरपति नाल्य है। और रामायण के रचयिता देखें तो वाल्मीकि है, वेदव्यास। महाभारत के रचयिता वेदव्यास है, पुंडरीक विठल है, इनके द्वारा रांगमंजरी लिखी गई है। नेक्स्ट है महावीर जी का मेला किस तिथि को लगता है, तो चैत में लगता है, ये शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी यानी 13 को। ये 24वीं तीर्थंकर हुए हैं महावीर जी जैन धर्म के, और महावीर जी का लक्खी मेला प्रतिवर्ष चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को आयोजित किया जाता है करौली जिले में। नेक्स्ट है खेतरी महल का निर्माण भोपाल सिंह के द्वारा करवाया गया था 1889 में, अजीत सिंह के काल में स्वामी विवेकानंद का आतिथ्य खेतरी के महल में किया गया था। जयपुर के बनारस के नाम से प्रसिद्ध प्राचीन पवित्र कुंड, जहाँ गालव ऋषि का आश्रम है, वो कहाँ पे है, गलता में है। गालव ऋषि की तपोभूमि है गलता तीर्थ जयपुर तो माना जाता है, और जहाँ बने हुए प्रसिद्ध जल कुंड को गालव ऋषि का आश्रम कहा जाता है। जयपुर के स्थित को उत्तर तोताद्री और राजस्थान बनारस या राजस्थान की छोटी काशी भी इसी को ही कहा जाता है। राजस्थान की जलवायु किस प्रकार की है, तो राजस्थान की जलवायु किस प्रकार की है, उष्ण और शीतोष्ण प्रकार की जलवायु है राजस्थान की। धन्यवाद।